हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें। जयपुर में शहीद स्मारक धीरे धीरे शाहीन बाग बनता जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरने को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी ने यह फैसला लिया कि जब तक CAA और NRC बिल वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जॉइंट एक्शन की ओर से अनिश्चितकालीन धरना 31 जनवरी से शुरू किया गया और रात भर महिलाएं सर्दी में वहां रुककर इस धरने का अंजाम दिया। 3 बजे से महिलाओं का आना शुरू हुआ और शाम को 6 बजे तक हजारों की तादाद में महिलाएं शहीद स्मारक पर पहुंची और खचाखच शहीद स्मारक भर गया। कई बड़ी तादाद में महिलाएं घाट गेट से पैदल मार्च करती हुई, हाथ में झंडा तिरंगा लेकर और हाथ में तख्तियां NRC और CAA रिजेक्ट की लेकर रवाना हुई और शहीद स्मारक तक पैदल पहुंची। महिलाओं का जोश और खरोश देखने लायक था। उनके साथ गोद में कई छोटे छोटे मासूम बच्चे भी नजर आए। वहां पर मौजूद सभी वक्ताओं ने अपने अपने ख्यालात पेश किए और लोगों में एक जोश पैदा किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान में भी कई शाहीन बाग बन चुके हैं। दिल्ली के तर्ज पर हर तरफ शाहीन बाग होते जा रहे हैं। दिल्ली वालों की हिम्मत की दाद देनी है और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए ये जयपुर में धरने का आगाज़ किया गया है, जिससे दिल्ली के शाहीन बाग में जो महिलाएं धरने पर बैठी है उन्हें भी हिम्मत मिले और उनको ये महसूस हो, उनको भी ये मालूम हो कि उनके साथ में और भी महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाती, हम भी अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। दिल्ली में हुए जामिया मिलिया के छात्र पर हमले को लेकर कड़ी निंदा की गई। वहाँ पर इस बात को कहा गया कि देश में अराजकता फैलती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और अफसोस की बात है कि केंद्रीय मंत्री भी ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जिससे कि नौजवान अपनी राह भटक रहे हैं और देश का ऐसे दिन गोली चलाए जिस दिन महात्मा गांधी को शहीद किया गया, उन्हीं के वंशजों में से एक ने जामिया पर हमला किया। इन बाग जयपुर के नाम से ये सरकार की जो जन विरोधी और क्या नाम है संविधान विरोधी जो उसका फैसला है उसके खिलाफ है। आपको ये मालूम है और सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के अंदर ऑलरेडी ये प्रोविज़न मौजूद था कि हिंदुस्तान की सरकार जिसको चाहे नागरिकता दे और जिसको चाहे नहीं दे। इसके लिए अगर वो दूसरे समुदायों को या नागरिकता दे दी देती या दे तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं था, या किसी पर्टिकुलर समुदाय को नागरिकता नहीं दे उस पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरकार ने एक नया कानून ला कर के, पुराने कानून की ज़रूरत नहीं होते हुए भी नया कानून ला कर के, पुराने कानून को जो है मौजूद होते हुए नया कानून ला कर के जो इसमें धार्मिक आधार के ऊपर जो बंटवारा किया है वो मुनासिब भी नहीं है और इस मुल्क का जो दस्तूर है उसके मुखालिफ भी है, उसके ख़िलाफ़ भी है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को ये बिल लाने की या ये क्या नाम है बिल पास करवाने की इतनी जल्दी लगी हुई थी कि हर बिल जो पास होता है उसका एक तरीका ये है कि फिर बिल आता है, बिल के जो है वो डिटेल्स तय होती हैं और जब सारे बाईलाज बन जाते हैं उसके बाद जा कर के उसका क्या नाम है गज़ट नोटिफिकेशन होता है या उसको जो है मंजूर कर माना जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने बाईलाज तय नहीं किए, उससे पहले जो है उस कानून को मार्केट में ला दिया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है मुल्क के अंदर जो है अफरा तफरी पैदा करने के लिए, और मुल्क के अंदर जो हालात बन रहे हैं, ध्यान बट रहा है क्या नाम है नौजवानों को रोज़गार नहीं है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, GDP नीचे जा रही है और समस्याएं जो है
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, उससे आवाम का ध्यान हटा करके उसने ये एक झुंझुना थमा दिया है कि अगले 3-4 साल तक जो है कागजात तैयार कराने के लिए आप सब लोग मसरूफ रहें और हम जो चाहें वो करते रहें। जयपुर का एहतजाज कब तक चलेगा और इसका किस तरीके का? देखिए, जयपुर का एहतजाज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर शाहीन बाग एक अलामत के तौर के ऊपर विरोध का जो है एक अलामत बनकर के उभरा है पूरी दुनिया के अंदर, और वहाँ पर जो ज्यादती हुई है जामिया मिलिया के अंदर या यूपी के अंदर जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ वो लोग एहतजाजन धरने के ऊपर बैठे हैं। तो हम अलामत को हमने भी पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों शाहीन बाग बन चुके हैं, जयपुर के अंदर भी हमने शाहीन बाग के नाम से ये धरना शहीद स्मारक के ऊपर शुरू किया है, और ये हमारा धरना और ये लड़ाई उस वक्त तक चलती रहेगी कि हुकूमत जब तक अपने इन जालिमाना और काले कानूनों को वापस नहीं लेती। आपका नाम बता दीजिए। डेजी हाफिज़ मंजूर अली ख़ान, और ये जो चल रहा है धरना अभी इसकी निगरानी कर रहा हूँ मैं। इसी अलामत उसी हालात के अंदर जब वो जामिया मिलिया की तरफ उस लड़की की तरफ निशाना बना रहा था तो यकीनन हमें वो तारीखी वाक़ याद आ रहा था। लोगों ने ये कहा कि वो तो नादान है, भटका हुआ है, बेरोज़गार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो वाकई वो लड़का नादान है, बेरोज़गार है, भटका हुआ है, नाबालिग है, तो उसको इतनी सलाहियत कहाँ से आई कि वो जामिया मिलिया आ जाए और बंदूक लेकर के आ जाए, पिस्टल लेकर आ जाए? उसको अगर रोज़गार का सवाल करना था तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता, उसको अगर भटका हुआ था, उसको अगर शिक्षा का सवाल करना था तो RSS के दफ्तर जाता, वहाँ जाके गन निकालता, जामिया मिलिया में गन का क्या काम था? इसलिए इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और यकीनन आपने देखा होगा कि किस तरह से एक तरफा रवैया अपनाया गया और अनुराग ठाकुर के बयान के ऊपर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, लिहाजा ये कैबिनेट मिनिस्टर और ये दर्जा मिनिस्टर जो इसके अंदर सरासर जिम्मेदार है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या डिमांड रहेगी अनुराग ठाकुर के और पूरे देश में जिस तरह से महिलाएं अगर आपके विरोध कर रही हैं, महिलाएं हमारे दीगर मेहमानों को, युवा भी, छात्र भी, यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेस में भी, और पूरे देश में एक तरह से पूरा देश सड़कों पर है, बड़ी तादाद सड़कों पर है। सारे न्यायप्रिय लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो इसलिए सड़कों पर हैं, इसलिए विरोध की आवाज़ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरह का भेदभावपूर्ण, तफरीक करने वाला, फ़र्क करने वाला जिस तरह के बिल लेकर के आए हैं आप, और जो मैसेज दे रहे हैं आप, उस मैसेज से जो कानून के जरिए से आपकी वजह से पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है, हम ये कहने के लिए आए हैं। और ये अनिश्चितकालीन धरना हमने यहाँ शुरू किया है कि जितने जल्दी हो सके केंद्र सरकार उस काले कानून को वापस ले।